आज हमने यह निर्णय किया है कि यह गठबंधन सरकार में आगे चलना भाजपा के लिए संभव नहीं होगा. इट हैज बिकम अनटेनेबल फॉर बीजेपी टू कंटिन्यू इन द अलायंस गवर्नमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर. इस निर्णय का जो कारण है मैं दो मिनट में बताऊंगा, पर इस निर्णय के संदर्भ में अंतिम आपके सामने निर्णय की जानकारी देने से पहले हमने राज्य सरकार में हमारे जो मंत्री है, उप मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्री है, उनसे भी चर्चा की है और पार्टी के प्रदेश नेतृत्व से भी चर्चा की है. सबकी सहमति से आज हमने यह निर्णय लिया है कि जम्मू कश्मीर सरकार में भाजपा अपनी भागीदारी को वापस लेगी. हम 3 साल पहले सरकार बनाए थे, उस समय जनता का जो जनादेश था वह विखंडित था. इट वॉज ए फ्रैक्चर्ड मैंडेट, यू ऑल नो. 2014 एंड में जो मैंडेट आया था उसमें जम्मू का क्षेत्र पूर्ण रूप से भाजपा को समर्थन दिया था, वही कश्मीर घाटी में मेजॉरिटी सीट पीडीपी को मिले थे. इस जनता के जनादेश को ध्यान में रखकर हमने एक साझा सरकार चलाने का निर्णय लिया था. उसके लिए 4 महीने की कसरत हुई, हमने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया, एजेंडा ऑफ एलियंस बनाई थी. उस एजेंडा के एलियंस के तहत हम सरकार चलाने के लिए पीडीपी के साथ मिलकर प्रयास शुरू किया था. पिछले 3 साल से ज़्यादा के समय में भाजपा अपनी तरफ से सरकार अच्छी तरह चले और सरकार के जो 2 मुख्य लक्ष्य थे, एक तो शांति, राज्य में शांति बहाल करना, दूसरा राज्य के 3 प्रमुख हिस्सों में विकास को तेजी से आगे बढ़ाना, रेस्टोरिंग पीस इन कश्मीर एस्पेशली इन द कश्मीर वैली एंड एनकरेजिंग फास्ट डेवलपमेंट इन ऑल द 3 रीजन्स ऑफ द स्टेट दैट इंक्लूड जम्मू, लद्दाख एंड कश्मीर वैली. These were the twin objectives with which we had joined hands with the PDP to form the coalition government. आज जो परिस्थिति राज्य में निर्माण हुई है, जिसमें एक भारी मात्रा में कश्मीर घाटी में आतंकवाद, टेररिज्म एंड वायलेंस बढ़ गया, रेडिकलाइजेशन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स दैट इंक्लूड राइट टू लाइफ एंड फ्री स्पीच, ये भी खतरे में आ गए हैं वैली में. आपने देखा जिस प्रकार एक मूर्धन्य पत्रकार शुजात बुखारी जी की दिन दहाड़े श्रीनगर शहर में हत्या होती है. यह परिस्थिति की विषमता का एक परिचायक है. आज प्रेस फ्रीडम हो या फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, यह भी खतरे में आ गया है. जहां तक केंद्र सरकार का रोल का प्रश्न है, हम भारत सरकार को तो पूर्ण हृदय से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि पिछले 3 साल में प्रोएक्टिवली राज्य सरकार को मदद करने के लिए भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में हमेशा तत्पर रही. सेंट्रल गवर्नमेंट के अनेक डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स राज्य में अमल किए गए हैं और विशेषकर 80,000 करोड़ का एक डेवलपमेंट पैकेज भी राज्य को दिया गया. उसमें एक सब्सटैंशियल राशि ऑलरेडी राज्य को मिल चुकी है, डिसबर्स भी हो गई है और अनेक प्रकार के डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स में केंद्र सरकार अपना मदद देती ही रही है. एक्चुअली 15 दिन पहले प्रधानमंत्री स्वयं लद्दाख और जम्मू कश्मीर राज्य में जाकर 2 डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को फिर उद्घाटन करके आए थे. तो केंद्र सरकार अपनी तरफ से डेवलपमेंट के लिए जो भी आवश्यक विषय था जम्मू कश्मीर के लिए वो करती रही. राज्य की सिक्योरिटी सिचुएशन इंप्रूव करने के लिए भी
राज्य सरकार को पूरी मदद केंद्र सरकार की ओर से, विशेषकर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी और केंद्रीय गृह मंत्रालय दोनों से मिलते रहे। गृह मंत्री समय समय पर वैली में दौरा करते रहे और आपको मालूम है अभी हाल में एक इंटरलॉक्यूटर को भी नियुक्त करके जम्मू कश्मीर के, विशेषकर कश्मीर वैली के जो विभिन्न सेक्शंस है उनके ग्रीवेंसेस को एड्रेस करने का भी एक सिंसियर एफर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया, होम मिनिस्ट्री ने किया। और सीमा पार जो भी पाकिस्तान की गतिविधि होती है उसको विफल करने का भी पूरा प्रयास हमारी सरकार, हमारे होम मिनिस्ट्री, हमारा मिलिट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री लगातार करते रहे। जम्मू में सीमा की इस तरफ रहने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए बंकर्स बनाने के लिए भी पूरा सहयोग भारत सरकार ने दिया, 4000 बंकर्स का निर्माण का काम हुआ है। तो भारत सरकार अपनी तरफ से राज्य में स्थिति को अच्छी चलाने के लिए जो भी आवश्यक कदम राज्य सरकार ने मांगी है वो सब देने के लिए हमेशा तत्पर रही। पर मुझे ये कहते हुए दुख है कि हालांकि हम भी 3 साल से उस सरकार में भागीदार रहे हैं, फिर भी सरकार का जो मुख्य नेतृत्व जिनके हाथ में है वे इन स्थितियों को संभालने में कहीं पूर्ण रूप से सफल नहीं रहे हैं। हम इनको इरादों को क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, पर वास्तविक स्थिति में जो राज्य सरकार का दायित्व था, विशेषकर कश्मीर घाटी में परिस्थिति को सुधारने का, उसमें राज्य सरकार असफल रही ऐसा ही लगता है। और दूसरी तरफ जम्मू और लद्दाख में जो विकास की दृष्टि से जितना काम होना था उसमें भी कहीं ना कहीं अड़चने हमारे मंत्रियों को सामना करना पड़ता आया है।